good morning dear students this is your english class uh, how are you all i hope all of you are good children today we will read the new lesson that is the bundle of sticks okay children but before going to start the lesson first we will read glossary words and rhyming words first word of glossary is quarrelt q u a -double r e Double L E D quarrelled means a heated argument or disagreement between people आपस में लड़ाई झगड़ा करना ठीक है जब लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं बहस करते हैं उसको हम कहते हैं argument ठीक है quarrelled ठीक next word is ill ill means sick sick means बीमार होना unhappy नेक्स्ट वर्ड इज अनहैप्पी अनहैप्पी मीन्स सैड एस ए डी सैड इसका मीनिंग क्या है हिंदी दुखी होना नेक्स्ट वर्ड पंच पी यू एन सी एच पंच इट्स मीनिंग इज टू हिट समबडी किसी को मारना नेक्स्ट वर्ड यूनाइटेड यूनाइटेड मीन्स टू स्टे एंड वर्क टूगेदर एक साथ मिलकर रहना एक साथ मिलकर काम करना उसको हम कहते हैं यूनाइटेड ओके नेक्स्ट वर्ड बंडल मीन्स थिंग्स दैट आर टाइट और फोल्डेड टूगेदर थिंग्स दैट आर टाइट और फोल्डेड टुगेदर मतलब जब हम चीज़ों को एक साथ बांध कर रखते हैं या एक साथ इकट्ठा करके रखते हैं उसको हम कहते हैं बंडल ओके चिल्ड्रेन नाउ लेट्स रीड द रैमिंग वर्ड्स फर्स्ट वर्ड इज गेम इट्स रैमिंग वर्ड इज केम नेक्स्ट वोर इट्स रैमिंग वर्ड इज बोर गिव इट्स रैमिंग वर्ड इज लिव नेक्स्ट स्टिक्स Rhyming word is pigs. Okay, children. Now come to the page number 88. On the top here, some pictures are given you. Here. Among these two pictures, which one do you like the most? Why? Discuss in class. In the first picture, टू गर्ल्स आर क्वेलरिंग विथ ईचर एंड द सेकेंड पिक्चर टू गर्ल्स आर लविंग विथ ईचर तो आपको फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे दो लड़कियां हैं जो आपस में एक टेडी बियर के साथ लड़ रही हैं किसी खिलौने के साथ लड़ रही हैं और सेकेंड पिक्चर में टू गर्ल्स क्या कर रही हैं एक दूसरे को गले लगा रही हैं है ना तो विच वर पिक्चर यू लाइक इट कौन सी पिक्चर आप पसंद करेंगे यस दिस वन ठीक है हम लोगों को कैसे रहना चाहिए है हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए ठीक है लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए नेक्स्ट वर्ड हंट लुक आउट फॉर द वर्ड विल इन द स्टोरी सर्कल द वर्ड एज यू रीड हमें विल इस स्टोरी में जहां पर भी हमें विल आएगा उधर पे आपको क्या करना है सर्कल करना है विल वर्ड को क्या करना है आपको सर्कल करना है ओके चिल्ड्रेन नाउ लेट्स रीड द लेसन वंस अपॉन सन्स एक समय की बात है कि एक ओल्ड मैन था जिसके चार लड़के थे द फोर सन्स क्वाल विद ईच अदर ऑल द टाइम और वो जो फोर सन्स थे उसके वो हर समय आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे दे फॉर ड्यूरिंग एवरी गेम दे played. जब भी कोई गेम खेला करते थे तब लड़ाई किया करते थे दे fought ओवर एवरी मील दे हैड जब भी खाना खाया करते तब लड़ाई झगड़ा किया करते थे दे even फॉट ओवर द क्लॉथ्स दे वोर यहाँ तक कि जब भी कपड़े भी पहना करते थे तो भी आपस में कपड़ों के लिए लड़ाई झगड़ा किया करते थे वन डे द ओल्ड मैन फेल इल एक दिन क्या हुआ जो ओल्ड मैन था वो बीमार हो गया ही टोल्ड हिज सन्स उसने अपने लड़कों से कहा बच्चों से कहा माई सन्स आई एम वेरी इल आई विल नॉट लिव लॉन्ग मेरे बच्चों मैं बहुत बीमार हूँ आई विल नॉट लिव लॉन्ग मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूँगा आई एम वेरी unhappy दैट यू quarrel एम एंग योर सेल्फ ऑल द टाइम मैं बहुत दुखी रहता हूँ जब तुम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो द ओल्डेस्ट बॉय पॉइंटेड टू द यंगेस्ट बॉय एंड रिप्लाइड इट इज नॉट मी who स्टार्ट द quarrel. इट इज हिम तो जो ओल्डेस्ट बॉय था वो यंगेस्ट बॉय को पॉइंट करके बोलता है इट इज़ नॉट मे ये मैं नहीं हूं हु क्वर कौन लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करता है इट इज हिम ये है द यंगेस्ट बॉय गॉट एंग्री जो यंगेस्ट बॉय होता है उसको गुस्सा आ जाता है हाउ कैन यू हाउ कैन यू से सो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो आई विल गिव यू अ पंच मैं तुम्हें एक पंच दूंगा मतलब आई हिट यू मैं तुम्हें हिट करूंगा मीन्स मारूंगा

बंद करो ये सब चुप हो जाओ प्लीज लिसन टू मी मेरी बात सुनो बट द फोर सन्स नॉट लिसन टू हिम पर जो चारों लड़के थे उसके वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुन रहे थे द ओल्ड मैन वॉन्टेड हिज सन्स टू बी यूनाइटेड वो अपने बच्चों से क्या चाहता था ओल्ड मैन वो चाहता था कि मेरे बच्चे आपस में मिलजुल कर साथ रहें ठीक है एक यूनिटी बना के रखें एक साथ में मिलजुल कर रहें ही आस्क टू ब्रिंग हिम अ बंडल ऑफ स्टिक्स ही सेट आई वॉन्ट ईच ऑफ यू टेक द बंडल एंड ट्राई टू ब्रेक इट इंटू टू उसने अपने लड़कों से कहा कि तुम लोग एक तुम लोग स्टिक्स का बंडल बनाओ और उसको दो भागों में तोड़ने की कोशिश करो उसको दो भागों में तोड़ो Who said? The old man said. Okay, the old man said. Each of the sons tried. हर एक लड़के ने कोशिश किया उस बंडल को तोड़ने का but none of them could break the bundle of sticks into two. पर उन चारों में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जिसने दो भागों में तोड़ा हो तो कोई भी उसमें बंडल को तोड़ नहीं पाया दो भागों में तोड़ नहीं पाया ओल्ड मैन अन बंडल एंड गेव दुआ जो ओल्ड मैन था उसने उस बंडल को खोल दिया खोलने के बाद एक एक स्टिक अपने हर एक लड़के को दे दी नो ब्रेक दिस स्टिक इंटू टू ही सेट एंड ओल्ड मैन सेट अब इसको दो भागों में तोड़ो द सन्स क्विकली ब्रोक द स्टिक्स इंटू टू पीसेस इन वन स्नैप और उन लड़कों ने क्या किया एटके में उन स्टिक्स को तोड़ दिया ओके चिल्ड्रेन एंड चिल्ड्रेन दैट इज ऑल फॉर टूडे एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू सेम लेसन ओके एंड टूडेज योर होमवर्क इज रीट दिस लेसन इन योर होम एंड लर्न ग्लॉसरी वर्ड्स एंड Rhyming words. That is your homework. Okay? Thank you.